Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a new heading under the main heading education, that is primary education. And today I am going to discuss universalization of elementary education, or you can say universalization of primary education. The lecture will be in bilingual mode and must be useful for you. Okay, so do subscribe my channel and let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल UEE, पहली बात तो कई लोगों को इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, तो UEE का फुल फॉर्म है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, है ना। इसको UPE भी कहते हैं, UEE भी कहते हैं, तो मेन कंसेप्ट वही है, इससे लेकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो हमको ये जानना होगा कि सरकारें कब से ये बात कर रही हैं कि हमको प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुंचा देना है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब कि यूनिवर्स में सबको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, है ना, किसी को भी इससे हमको वंचित नहीं रखना है। तो जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत यहाँ से होती है कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इज नॉट ओनली ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट बाई द यूनाइटेड नेशंस बट ऑल्सो अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मीन्स सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। अभी हम आगे बात कर लेंगे कि अब तो SDG की बात हो रही है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है, तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि कब MDG SDG में कन्वर्ट हो गया। लेकिन चूंकि शुरुआत MDG से ही हो रही है इसलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो तब ये शुरू हुआ कि वैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कमीशन कमिटीज कब से बात कर रहे हैं, है ना, इवन हमारे रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह कब से बात कर रहे हैं कि हमको प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना चाहिए। तो कहा गया कि ये ना केवल एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है बल्कि एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारी मूलभूत आवश्यकता है हमारे जन कल्याण के लिए। किसके जन कल्याण के लिए? मनुष्य के, इंडिविजुअल्स के। इसके अलावा और क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 2004, एजुकेशन कंप्राइजेज ऑफ ए सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड आउटकम्स दैट आर डिफाइंड क्वालिटेटिवली एट द इंटरनेशनल लेवल। द एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1990, यानी कि जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हमको 1990 में जाना पड़ेगा। जब क्या हुआ था? वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। ये एजुकेशन फॉर ऑल वही है, EFA। इसको हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे थे तब भी पढ़ा था हमने कि 1990 में एक वर्ल्ड डिक्लेरेशन आया एजुकेशन फॉर ऑल पे। उसने क्या कहा? रिकमेंडेड दैट एजुकेशन बी मेड बोथ यूनिवर्सली अवेलेबल एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटेटिवली, कि शिक्षा को दोनों स्तर पर, मतलब कि वो सबको पर्याप्त हो, उपलब्ध हो यूनिवर्सली, और उसका हमको गुणवत्ता भी बढ़ानी है। देखिए जब आप आगे प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि क्वांटिटेटिवली तो हमने प्रगति कर ली, हमने बहुत सारे स्कूल खोल लिए, हमने इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा लिया, सब कर लिया हमने, लेकिन गुणवत्ता नहीं बढ़ा पाए। इन द ईयर 2000, फिर 2000 में क्या होता है? द डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन डेवलप्ड बाय यूनेस्को पुट फॉरवर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज ए फंडामेंटल डिटरमिनेंट ऑफ इनरोलमेंट रिटेंशन एंड अचीवमेंट। आप बार बार अभी प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं पढ़ेंगे कि उसमें इनरोलमेंट की समस्या है, रिटेंशन की समस्या है, अचीवमेंट नहीं है बच्चों का अच्छा, ड्रॉप आउट है, बहुत सारी बातें हैं। तो 2000 में डकार फ्रेमवर्क जो आता है यूनेस्को द्वारा, वो कहता है कि शिक्षा को हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। फिर द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन हैज इवॉल्व ओवर द इयर्स एंड इट इज नाउ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट इनकंपासिंग फैक्टर्स लाइक लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर सोशल एनवायरनमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ इनेबलिंग इनपुट, मतलब इनेबलिंग इनपुट में मतलब हमको क्या क्या इनपुट में देना है, कॉम्पिटेंट टीचर, बढ़िया शिक्षक देने हैं, उनको लर्निंग मटीरियल देना है, स्कूल को फैसिलिटी देनी है, तब जाके हमको स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम मिलेगा। मतलब कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किससे जाके जुड़ता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जाके जुड़ता है। और क्या मतलब समझ में आया? और ये समझ में आया कि ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स की। अब जल्दी से एक क्विक रिव्यू ये कर लेते हैं कि कैसे एमडीजी एसडीजी बना, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि कब एमडीजी एसडीजी बन गया, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे तो कहा जाएगा अब तो एसडीजी की बात हो रही है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है, सतत विकास लक्ष्यों की बात हो रही है। तो ये भी जान लेते हैं, शिफ्ट फ्रॉम एमडीजीज टू एसडीजीज। United Nations adopted the Millennium Declaration comprising the Millennium Development Goals as an outcome of deliberations in the United Nations Millennium Summit on 8 September 2000. यानी कि 8 सितंबर 2000 को United Nations Millennium Summit हुआ, वहां MDG निर्धारित किए गए। इट गेव अ न्यू विजन टू द ग्लोबल एफर्ट्स ऑन डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। देखिए ये तय किया गया कि अगले 15 वर्षों में हम ये अचीव कर लेंगे, लेकिन
क्योंकि 15 वर्षों में हम ये अचीव नहीं कर पाए, तो फिर हमने बना दिया क्या, एसडीजी कर दिया इसी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर दिया. कैसे? द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो ब्राजील इन जून 2012 कॉल्ड द फ्यूचर वी वांट, मतलब वो भविष्य जो हम चाहते हैं, पेव्ड द वे फॉर फॉर्मल कंसल्टेशंस ऑन पोस्ट 2015 डेवलपमेंटल एजेंडा. मतलब कि 2000 से हमने कहा था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हम 15 सालों में अचीव कर लेंगे, नहीं कर पाए, तो 2015 के बाद के डेवलपमेंट एजेंडा को हमने एसडीजी के फॉर्म में बना लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना लिया, बेस्ड ऑन 3 dimensions ऑफ डेवलपमेंट. इसमें हमने विकास के 3 आयाम लिए, कौन कौन से, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल. एसडीजीज आर व्यूड एज एक्सटेंशन ऑफ एमडीजीज विद सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर एडेड टू ईच एमडीजी टू बी इंप्लीमेंटेड इन द पोस्ट 2015 एरा अलोंग विद अ सेट ऑफ ऑल न्यू गोल्स विच वर इग्नोर्ड इन द एमडीजीज. यानी क्या किया गया कि एमडीजी जो था, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, वो 8 ही थे, ये एसडीजी है वो 17 हैं. अभी हम चूंकि एमडीजी एसडीजी में नहीं जा रहे, मैं सिर्फ आपको एमडीजी से एसडीजी का शिफ्ट बता रही हूँ, इसलिए सिर्फ एक स्लाइड है इसकी. तो इसमें क्या किया गया कि हर आयाम में हमने सस्टेनेबिलिटी का एक तो इनपुट जोड़ दिया है ना, सतत एक पैरामीटर. दूसरा हमने क्या किया, जिन चीजों को, जिन मायनों को, जिन इश्यूज को एमडीजी में इग्नोर किया गया था वो भी ले लिया. एसडीजीज आर ए सेट ऑफ 17 स्पेसिफिक गोल्स ऑफरिंग स्पेशल फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट रिक्वायर अर्जेंट एंड एक्सटेंसिव अटेंशन एट प्रेजेंट एंड इन नियर फ्यूचर. यानी कि सतत विकास के वो मुद्दे जिनकी अभी और निकट भविष्य में आवश्यकता है, उन सबको ले लिया गया और 17 SDGs बना लिए गए. तो आपको बीइंग अ स्टूडेंट इन फैकल्टी एंड स्टेक होल्डर ऑफ एजुकेशन, आपको पता होना चाहिए कि एसडीजी का जो गोल नंबर 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन से डील करता है, और जैसे ही हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे वैसे ही यूईई का कंसेप्ट उससे जुड़ा हुआ है. ठीक है, अब आइए अचीविंग यूईई, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को. तो अचीविंग यूईई इज अ 3-fold चैलेंज, ये 3 गुना मतलब चैलेंज है इसका, 3 आयाम पे चैलेंज है, 3 level का है. कैसे? द फर्स्ट वन इन्वॉल्व्स इनरोलिंग चिल्ड्रन इन स्कूल्स. सबसे पहली बात तो हमको यूनिवर्सलाइजेशन ना, हमको सबको देना है, तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सभी बच्चे स्कूल में आ जाएं. वही द सेकेंड इज टू मेक श्योर दैट दे आर रिटेन्ड इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम. दूसरी बात कि वो स्कूल में बने रहें. And the third one is to guarantee that children learn something meaningful while sitting in class. और तीसरा ये कि जब वो स्कूल में बने हैं तो उनको कुछ मीनिंगफुल सीखने को मिले, यानी कि पहले तो वो इनरोल हों, फिर रिटेन हों और फिर कुछ सीखें. 3-fold चैलेंज, ये नहीं कि मतलब पहले तो इनरोलमेंट ही मुश्किल है, फिर रिटेंशन और मुश्किल है, और फिर अचीवमेंट और भी मुश्किल है. इन फैक्ट देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अमंग इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड क्वालिटी, है ना, कि इनरोलमेंट, रिटेंशन और क्वालिटी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. ऑन द वन हैंड, पुअर क्वालिटी एजुकेशन हैज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन फैमिली बिलीव्स रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन लीडिंग टू लो इनरोलमेंट एंड रिटेंशन रेट्स हिंडर द लर्निंग प्रोसेस. कह रहे हैं एक तरफ क्या होता है कि जब स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, निम्न गुणवत्ता की पढ़ाई होती है, तो क्या करता है, ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस परिवार पे डालता है कि हमको कोई अब शिक्षा में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि कुछ फायदा नहीं हो रहा है पढ़ने से. तो इससे क्या होता है, इनरोलमेंट और रिटेंशन रेट गिर जाता है. द इंटरलिंकेज अमंग दीज 3 aspects अंडरस्कोर्स द नीड फॉर स्पेशल अटेंशन टू फैक्टर्स इफेक्टिंग एजुकेशन क्वालिटी व्हाइल एड्रेसिंग इनरोलमेंट इश्यूज. तो ये जो एक दूसरे का इंटरलिंकेज है, जो इंटरडिपेंडेंस है, उससे ये निकल के आता है कि हमको स्पेशल अटेंशन देना है कि हमको क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देनी है इनरोलमेंट इश्यूज को ध्यान में रखते समय. ठीक है, अगर 3 pillars ऑफ यूईई, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके 3 स्तंभ हैं, अगर हमने वो संभाल लिए तो हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के समीप पहुंच सकते हैं. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स 3 important things, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन. क्या है ये प्रोविजन, इनरोलमेंट और रिटेंशन? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन मींस दैट स्कूल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years इन द कंट्री. यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए प्रोविजन तो हो कि शिक्षा उसके लिए उपलब्ध है.
the school should be easily accessible within the walking distance of a child. जो school हो, जो विद्यालय हो, वो बच्चे की walking distance में easily accessible हो. ये नहीं कि इतने remote area में है कि बच्चा वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है. हम अलग से, चूंकि retention, enrollment, provision, dropout, ये सब बहुत मतलब बड़े बड़े topic हैं, इनको आप एक slide में नहीं discuss कर सकते हैं, इसलिए इसको अलग video में discuss करेंगे, ठीक है? इसलिए आप अभी सिर्फ मूल जानिए इसका. फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट मींस दैट ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 इयर्स मस्ट बी इनरोल्ड. जब हम इनरोलमेंट के सार्वत्रिकरण, सार्वभौमिकरण की बात करते हैं, तो ये बात करते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे इनरोल हो जाएं स्कूल में. फिर द प्रोविजन हैज डिमांडेड टू इंट्रोड्यूस द कंपलसरी लेजिस्लेशन एक्ट, एंड अंडर द लेजिस्लेशन पेरेंट्स कैन बी फाइनिंग फॉर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. आप जान चुके हैं कि जब आरटीई एक्ट 2009 में आया है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का कानूनी अधिकार, उसके बाद ये हो गया है, 2010 से लागू हो गया ये कि आप पेरेंट्स को फाइन कर सकते हैं, उनपे कर क्या जुर्माना लगा सकते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन रिटेन्स अ चाइल्ड हु जॉइंस द प्राइमरी स्कूल वेयर ही और शी वुड should remain there till he or she completes all 8 classes. यानी कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई वो कर ले, तब ये universalization of retention है कि बच्चा enroll भी हुआ और बच्चा retain रहा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक. ठीक है, तो governmental efforts for UE, बहुत काम सरकार ने किया है कि हम universalization of elementary education को achieve कर पाएं. सबसे पहला शुरुआत होती है भाई 1968 से, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, फिर डीपीईपी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान आया, फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, फिर ट्रस्ट फॉर फीमेल लिटरेसी, जिसको साक्षर भारत भी कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल से छूट गए हैं उनको कैसे शिक्षित किया जाए, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स, प्रोग्राम ऑफ मैसिव ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स जिसको पी मोस्ट के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम और स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स. इतने तो गवर्नमेंट के एफर्ट है. आपको पता होगा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अब बढ़ के यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया है, कि हमने प्राथमिक स्तर पर सबको शिक्षित कर दिया, द्वितीयक स्तर पर सबको शिक्षित करें, क्योंकि ड्रॉप आउट का जो रेट है वो प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी एजुकेशन में है, ये रिसर्चेज में पता चला है. तो आप एक जनरल बेसिक कंसेप्ट जानिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का, कि सबको शिक्षा मिलनी है. तीन स्तंभ है इसके, कौन कौन से, कि पहले तो ये उपलब्ध हो, इनरोल हो सारे बच्चे, और जितने बच्चे इनरोल हो सब रिटेन रहे शिक्षा तंत्र में, तब तो इसका फायदा है. ठीक है, और हमको सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, सिर्फ स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ानी, बल्कि उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देनी है. तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स ये इश्यू है, लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए इतना जानिए, फिर आगे फर्दर वीडियोज में हम वन बाई वन एक एक टॉपिक कवर करेंगे. ठीक है, सो आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन दिस वीडियो. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.